हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओहो, खिड़की खुली है, ठंडी ठंडी लग रही है। टाइम कितना हो रहा है? ओह, 8:30 हो गए। तो अभी बज रहे सुबह की 8:30, क्योंकि आज रौनक का पीटीएम है 10 बजे, तो इसलिए आज लेट उठे हैं मस्त काम से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल मैं कुछ लाई हूँ अपने लिए मेडिसिन आयुर्वेदिक का, तो उसको मैंने रात को ना गुड़ के साथ, उन्होंने कहा था कि गुड़ के साथ में भिगो के रखना है, तो मैंने रात को भिगो के रख दिया था गुड़ और 1/2 चम्मच पाउडर के साथ। तो इसको ना छन्नी से मैं छान लूँगी पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, वैसे ही तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ। तो इसको मैं पहले ना छन्नी में छान लेती हूँ, होगा रात भर में। तो मेरा भीगा है समा, मेरा दिल ये गाना कुछ ज्यादा ही भूत की तरह जम गया मेरे कान में, आंख में। तो इसको ना यार मैं आपको दिखा तो नहीं रही क्या करती हूँ। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है गाइस, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कारनामे कर रही हूँ सुबह सुबह। ये कुछ इस तरह का दिखता है, काला काला। तो इसको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा तो मैं कभी नहीं पीऊँगी, तो पहले इसको गर्म कर लेते हैं। लाइटर, गैस, ओह गैस को कर लिया मैंने ऑन। इसको ऐसे चाय की तरह पी ले, पीते होंगे, पता नहीं कैसे पीना, मैंने पूछा तो नहीं इसको। अरे यार क्या दिमाग हो गया। निकाला है मैंने, थोड़ा गर्म करते सुंदर कप है ना, इस कप ना सुंदर बहुत है, लेकिन ये जो है ना हैंडल इसका, इसकी वजह से मुझे इसमें पीने का मन नहीं करता। बताऊँ रीजन क्या है? अगर इसको मैं ऐसे पकड़ती हूँ ना, तो ये ऐसे चला जाता है, यू नो, ऐसे, तो ना कंफर्टेबल नहीं होता। अब वो ऐसे पकड़ के, हाँ यार ये कल में तो आया ही नहीं कभी, लेकिन चाय डालने के बाद ये नहीं पता कि ये कितना गर्म होगा, लेकिन हाँ ऐसे पकड़ने पे ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर गर्म चाय होगा तो नहीं पकड़ा जाएगा भाई, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे तो हो, ऐसे हो जाता है, तो ना गुस्सा आता है। तो मैं चुका कि मेरा फेवरेट को फिर मैं पी नहीं पाती इसमें, क्योंकि ये मेरा ऐसा हो जाता है बार बार ऐसा, ये देखो। तो ऐसे करके पकड़ने में तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि चाय डालने के बाद कितना गर्म होता है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो ये भी गर्म ऑलमोस्ट हो गया है, कलर ऐसे ही। एज अ चाय पीऊंगी मैं इसको, क्योंकि ठंडा है ना, नहीं पी पाएंगे। थोड़ी देर में आपके पास मैं वॉशरूम हुआ। देखिए मैं वॉशरूम होके आ गई, जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा गर्म है ये, ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। क्यों ना एक छोटा सा ट्रे ले लूँ, ये ठीक है। अभी ना गाइस मेरे फोन पे बैटरी 5% है, तब तक मैं ये पी लेती हूँ, आप भी चाय वाय पी लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन को लगाती हूँ मैं चार्ज पे, और रौनक भी मस्त सो रहा है। अब इसको उठाना है थोड़ी देर में मुझे, तब तक मस्त पिया जाए, चुस्त रहा जाए। ओके गाइस, बने रहिएगा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम अब जा रहे हैं अक्षरधाम, और रौनक का पीटीएम हो चुका है और बहुत ज़्यादा हफड़ हो गया, तो मैं वो ब्लॉग बना नहीं पाई। जा रहे हैं अक्षरधाम, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बने रहिएगा। तो गाइस ये रही एंट्री,
अच्छा है यार, हम तो फर्स्ट टाइम ही आए यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या है ये रहा, अभी तो हम चल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी साफ सुथरा एरिया है, तो बने रहिएगा, चलते रहते हैं, देखो क्या सा है अंदर। तो गाइस हम तो खैर वापस हो गए क्योंकि अंदर पे फोन कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। एंट्री करते ही फ़ोन सबमिट हो जाता है यहाँ पर, तो जो कोई भी अगर यहाँ अक्षरधाम ब्लॉगिंग के लिए आता है तो ये बात ध्यान करके आइएगा कि यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, कुछ भी गैजेट्स ऐसा हो कुछ भी अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वगैरह। तो अगर यहाँ आना है तो आप तो अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करने आ सकते हो, अदरवाइज ब्लॉगिंग के लिए आप यहाँ पे आना बेकार है। तो हम तो वापस जा रहे हैं, जितना करना था कर दिया, कुछ भी नहीं हो पाया, अब हम जा रहे हैं वापस। हीरा स्वीट्स पे करने आए हम, ब्रेकफास्ट है ही नहीं जगह। तो गाइस जहाँ पर हम गए थे वो काम तो बना नहीं, तो हम सोच रहे थे चलो हीरा स्वीट्स में आके ब्रेकफास्ट कर ले। स्मार्ट लग रहा है मेरा बॉय। तो ये देखिए हम अभी हीरा स्वीट्स पे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी मुझे काफ़ी आलसी भी लग रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है, आलसी से लग रहा है। तो अब कुछ खा के, क्योंकि हर जगह टाइम नहीं मिलेगा बनाने का, तो खा पी के फिर हम करेंगे घर का काम, क्योंकि आज घर में काफ़ी सारा काम है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ, कल फिश भी बननी है। ये रहा रौनक का डोसा, अरे बाप रे इतना बड़ा डोसा खा लेगा ये रौनक। यम्मी यम्मी छोले भटूरे, यम्मी यम्मी। तो हम तो चले गए, खाना पीना खा लिया हम लोगों ने, नाश्ता कर लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो स्टोर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हीरा स्वीट्स है ये। एक से एक वैरायटी आपको यहाँ पर मिलेगी। अरे इस दिल में क्या है, बस धड़कन धड़कन में क्या है साचन, और मेरा बेटा कितना स्मार्ट हो गया भाई, ब्लैक चश्मा लगा के तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक लग रहा है, सब गोरा दिख रहा है बेटा, ये काला दिख रहा है ना? चश्मा तो पहना हुआ है, कलर तो दिख रहा है, कलर तो दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, दिख रहा है इसको, मतलब इसको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो पहन लो फिर, वैसे स्मार्ट लग रहा है ना गाइस मेरा बेटा, स्मार्ट बॉय। मिला भैया हो है हो जी, अच्छा पन्नी, हाँ है पन्नी डाला है। तो गाइज ये मेरा बन रहा है, देखिए वाओ यमी यमी साग बन रहा है, यमी यमी साग, यमी यमी साग, देखो कितना हरा हरा, अरे मेरे कैमरे में आ गया सारा, तो ये आप देख सकते हैं। कितने लोगों को पता है इस साग के बारे में, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इसको हमारे यहाँ लाई पत्ता बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है ये साग। तो गाइस फिश बनाऊंगी, फिश खाने का मन कर रहा था मेरे बेटे को, तो फिश तो मैंने लेके रख लिया है, और देखिए मैंने कढ़ाई भी बिठा दिया है, तो चलिए शुरू करते बनाना। पहले तो मेथी डालते हैं, मेथी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेथी डाल देते हैं, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, और ध्यान से बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके बाद फटाफट इसको मैं चला देती हूँ। अरे बाप रे इसकी गर्म है, मेरे पास प्याज नहीं है, और सॉरी टमाटर, तो मेरे पास दो टमाटर थे, फटाफट इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक से काटेंगे,
कहीं मेरा प्याज जल ना जाए। कट भैया कट। प्याज भी हो गया है तो टमाटर डाल देती हूँ फटाफट। आज ना गाइस अच्छा था, हम गए लेकिन मज़ा नहीं आया जाने में। हम तो वापस आ गए, घूमे नहीं हम तो, क्योंकि वहाँ पर ना कैमरा तो अलाउ था ही नहीं, मतलब कैमरा वगैरह हो गया कुछ भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल भी अलाउ नहीं था वहाँ पे। तो जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं सबसे यही बोलूँगी, अगर आप अक्षरधाम जा रहे हो या फिर आ रहे हो घूमने के लिए, ब्लॉग खासकर उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग करते हैं, तो उनको बेकार है क्योंकि वहाँ पे अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ले जाने के लिए। तो एक बार आना है तो आप घूमने के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ब्लॉगिंग के लिए आ रहे हो तो वो बेकार है, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गैस थोड़ा सा कम कर देती हूँ मैं, तो मैं ना इसमें ये मसाला डालूँगी। अरे यार दो मिनट, ये रहा मसाला, पीला राय, जीरा और धनिया और लहसुन का पेस्ट। देखिए मच्छी मैंने डाल दी है और जो मसाला था, मसाला मैं आपको बता दूं, मैंने पीली वाली सरसों यानी राय और जीरा और साबुत धनिया और हरी मिर्च या फिर रेड मिर्च डाल के इसको पीस लिया था, और लहसुन डाल के इसको मैंने पीस के पेस्ट बना के तैयार किया था, जो मैंने यहाँ डाला है, अच्छे से पकाया है, फिर पानी डाला है, थोड़ा सा उबाला है और मैंने यहाँ पे फिश डाल दिया है। अब मैं इसको कर दूँगी बंद और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं चनपट मार्केट, तो इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ हिमाचल, तो मुझे एक दो कपड़े लेने हैं। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा जेन्युइन रेट मिलता है काफ़ी, मतलब और कुछ पसंद के ऊपर भी है वहाँ पे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो वहाँ का ब्लॉग तो काफ़ी बार बन चुका है, फिर भी आज देखते हैं विंटर में क्या आया हुआ है वहाँ पे, अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हम वापस आ जाएंगे। तो मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, तो मैंने कैब बुक किया हुआ है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वेल मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। हम बैठ गए ऑटो पे, ये मेरी वॉच कहाँ चलेंगे? तो गए हम अभी ना बैठ चुके हैं ऑटो पे, बने रहिए। देखिए थोड़ा कितना टाइम लगता है शाम के टाइम में, वैसे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का टाइम है अभी, वैसे जनपद बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है, देखो कितना टाइम लगता है, बने रहिएगा ठीक है। ऑटो पे, ऑटो मुझे बहुत अच्छा लगता है फाइनली इसकी वजह से। ट्रैफिक, ओ इतना लंबा ट्रैफिक, वहाँ पे ठंड है ना, ऐसे ही कपड़े चाहिए होंगे हमें।
चलो पहले आगे देख लेते हैं ना क्या क्या है सामान यहाँ पे। वाह कुशन देखो कितना खूबसूरत है। कवर देख लो दीदी, डनर देख लो। पहले जिस काम के लिए आए पहले वो तो देख लो। खाने के लिए क्या हुआ? खाने के लिए चाहिए आ गए जनपद मार्केट। काफी भीड़ है। तो जो मुझे चाहिए वो आगे है, आगे आगे ही से देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर समझ में आता है तो ठीक है। जल्दी जल्दी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे। वहाँ के हिसाब से चाहिए ना हमें कपड़े, तो हमें वहाँ के हिसाब से चाहिए। गाइस ऑटो में तो हम बैठ गए, यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। रात हो चुकी है, रात तो खैर नहीं हुई है। टाइम कितना लगेगा? हवा लगेगा ना, गिरा रहा है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नीचे उतार दीजिए, बेटर रहेगा। हवा तो लगी लगी गई, ठंडी है अब। ठीक है चलो अब हम जा रहे हैं घर। उस तरफ हवा तो नहीं लगेगी ना, मैं इधर बैठ गई। चलो फिर चलते हैं। कौन दिया? किसकी शादी हो रही है? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है फूल की। तो गाइस जनपद मार्केट से तो हो आए हम लोग, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़ था, मजा नहीं आया। मैं जिस काम के लिए गई थी वो तो काम मेरा बना नहीं। हाँ मैं एक और अच्छी चीज लाई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा अंधेरा हो रहा है, लाइट कर दूँ। देखिए मैं बहुत ही अच्छा शो पीस लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। ये ड्रैगन है जो हॉर्स के साथ बना हुआ है, और ये एलिफेंट है ये जोड़ा। तो ये और ये और ये मिला के मुझे मिला 750 रुपीज़ का। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है शो पीस। ये मेरे साई बाबा जी हैं जिसके साथ मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है।